बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड फोर्थ का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर सेकंड ईयर टू ईयर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स पेज नंबर 11। चैप्टर टू, ईयर टू ईयर, कान से कान, ठीक है। ही हु हैज गॉट माय ईयर्स, तो एक हमें पिक दे रखी है, ये कह रहे हैं कि मेरे कान किसने लिए। हु, एलिफेंट दिखा रखा है, बफेलो दिखा रखी है, रैबिट। तो देखो, और दीज एनिमल्स लुक फनी, आपको ये एनिमल्स इस पिक में देखने से फनी लग रहे होंगे कुछ। द आर्टिस्ट हैज ड्रॉन रॉन्ग ईयर्स ऑन द हेड ऑफ द एनिमल्स, इसमें आर्टिस्ट ने क्या कर दिया, रॉन्ग ईयर्स ड्रॉ कर दिए हैं एनिमल्स के हेड्स के ऊपर। ध्यान से देखो इस पिक में, गिव करेक्ट ईयर्स टू द एनिमल्स, हमने करेक्ट ईयर्स लगाने हैं एनिमल्स में इन द स्पेस गिवन बिलो, जो हमें नीचे बिलो दे रखी है। अब ध्यान से देखो, जो जो ये रैबिट है, रैबिट के कान तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, देखो इसके भी किसके लगा रखे हैं, जिराफ के लगा रखे हैं। और एलिफेंट के हैं ईयर्स कैसे होते हैं, फैंस की तरह, तो वो किसके ऊपर लगा रखे हैं, जिराफ के। तो ये हम देखेंगे ध्यान से और इसमें नीचे स्पेस में लिखेंगे। तो एक हमें करके दिखा रखा है एनिमल्स और ईयर, एलिफेंट के पे किसके लगे हुए हैं, ये माउस के, और माउस पे किसके लगे हुए हैं, माउस पे डॉग के लगे हुए हैं। तो फर्स्ट हम भरेंगे एलिफेंट पे, देखो किसके लगे हुए हैं, ये माउस के लगे हुए हैं। देखो एलिफेंट के छोटे छोटे हैं ना जो, और एलिफेंट के जो कान है वो किस पे लगे हुए हैं, जिराफ पे। तो अब देखो रैबिट, रैबिट पर किसके लगे हुए हैं हमारे, ये देखो इससे मिल रही है ना, जिराफ पे, तो आप जिराफ के लिखोगे रैबिट पे। और माउस पे हमारे किसके लगे हुए हैं, ये डॉग के लगे हुए हैं, ठीक है। और जिराफ पे एलिफेंट के, ठीक है। डॉग पे, डॉग देखो यहाँ पे क्या है, ये रैबिट के, ये देखो रैबिट के कैसे होते हैं, लीड्स की तरह होते हैं बड़े बड़े कान, जो टॉप ऑफ द हेड होते हैं, हेड के ऊपर को होते हैं। और बफेलो पे किसके लगे हुए हैं, डियर पे, ये देखो डियर के कान ऐसे होते हैं, ठीक है। और डियर पर किसके लगे हुए हैं, बफेलो के। तो ये आपने ये टेबल बिलो कर लेना है, ध्यान से देख लो, इसको आपने फिलअप करना है स्पेस को। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ईयर्स, हमारे अलग अलग एनिमल्स दे रखे हैं, उनके अलग अलग प्रकार के ईयर्स दे रखे हैं। कुछ के ईयर्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, और कुछ के बिग होते हैं, कुछ लीव्स की तरह होते हैं, कुछ फैंस की तरह होते हैं। कुछ के कान क्या होते हैं, दोनों फेस के दोनों बोथ साइड्स होते हैं। कुछ कहीं के क्या होते हैं, टॉप हेड होते हैं। और जो बर्ड्स होते हैं उनके हमें कान दिखाई नहीं देते। इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना है। अमंग द एनिमल्स गिवन बिलो, हमें कुछ एनिमल्स गिवन बिलो दे रखे हैं, विच वन हैव ईयर्स दैट यू कैन सी, देखो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके कान होते हैं, वो हमें दिखाई भी देते हैं, कैन सी हम देख सकते हैं। इन विच एनिमल्स कैन नॉट सी द ईयर, और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनके कान हम नहीं देख सकते, राइट इन द टेबल बिलो। तो हमें ऊपर कुछ ये क्या दे रखे हैं, एनिमल्स और वर्ड्स दे रखे हैं, हमने दो क्या बनाने हैं, ये नीचे हमें टेबल दे रखे हैं, एक येलो में है और एक पिंक में है। तो आप क्या करोगे, इसमें लिखोगे एनिमल्स हुज ईयर कैन वी कैन सी, जिसके हम कान देख सकते हैं। ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं उनके कान बड़े बड़े होते हैं ना, उनके हम देख सकते हैं। और इसमें क्या होंगे, रेप्टाइल्स जो जमीन पर रेंगते हैं, और जो वर्ड्स होते हैं इनके कान हम नहीं दिखाई देते। तो वर्ड्स क्या होते हैं, इनके अंदर कान होते हैं, पर वो क्या होते हैं, कान टाइनी होल्स के रूप में होते हैं, जिनसे वो आवाज़ सुन सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं। तो देखो एनिमल्स हुज ईयर वी कैन सी, अब फर्स्ट हमारे पास क्या है, डियर, डियर एनिमल है तो इसके कान हम देख सकते हैं, हमने फर्स्ट पेज पे भी देखा। और उसके बाद क्या है, टाइगर, टाइगर के भी हम देख सकते हैं, पिक के देख सकते हैं, फ्रॉग, फ्रॉग के हमें कान दिखाई नहीं देते, तो हम ये पिंक वाले में लिखेंगे। आगे स्पैरो है, स्पैरो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। डक, डक भी हम यहाँ पे लिखेंगे। फिश, फिश के भी हमें कान दिखाई नहीं देते, तो हमने इसमें लिख दिया। अब बफेलो है, बफेलो हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। जिराफ, जिराफ के भी हमें कान दिखाई देते हैं। एंट, एंट हम कहाँ लिखेंगे, ये क्या होती है, चींटी, इसके कान हमें दिखाई नहीं देते बिल्कुल, ये तो पहले ही बिल्कुल छोटा सा क्या होता है, एक इंसेक्ट्स होता है, जिसके हमें कान नहीं दिखाई देते। स्नेक, स्नेक के भी हमें दिखाई नहीं देंगे, इसमें देखेंगे। एलिफेंट, इसमें देखेंगे, एलिफेंट के तो बड़े बड़े कान होते हैं फैन की तरह। क्रो के हमें कान दिखाई नहीं देते, ये टाइनी होल्स होते हैं। लिजर्ड, ये वैसे ही जमीन पर रेंगने वाली होती है, दीवारों पे, तो इसके कान हमें दिखाई नहीं देते, छोटे छोटे होल्स होते हैं। कैट, कैट यहाँ पे आएगी, जिसके हमें कान दिखाई देते हैं। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हुआ। आगे देखो बच्चों, डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर, क्या आप सोच सकते हो कि वो एनिमल्स
जिनके कान वी कैन नॉट सी, हम देख नहीं सकते, रियली डू नॉट हैव ईयर, क्या उनके वास्तव में कान नहीं होते? नहीं, इनके सबके कान होते हैं, जिनके हमने कहा है ना कि नहीं दिखते, ये क्या होते हैं? नो, पहले लिखेंगे दे हैव हिडन ईयर्स, उनके कान क्या होते हैं? छिपे होते हैं। क्यों छिपे होते हैं? पंखों से। उनके कान किससे ढके होते हैं? पंखों से। और हिडन ईयर्स होते हैं, और क्या होते हैं? ईयर्स की जगह टाइनी होल्स होते हैं, वही इनके क्या होते हैं? ईयर्स होते हैं। आगे देखो, लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर, तो आप इस नीचे वाली पिक्चर को ऑब्जर्व करो, अवलोकन करो, देखो ध्यान से कि आपको कौन कौन से वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर, आप इस पिक्चर में जो भी आपको एनिमल्स वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं उनके नाम लिखोगे। फर्स्ट हमारी क्या है? हैन, ये स्पैरो, ये पैरेट, डक, क्रो, और क्या है? फ्रॉग। ठीक है, अब हम कैन यू सी देयर ईयर्स, क्या आप इनके कान देख रहे हो? नो, नो I cannot see their ears, हमें इसके कान नहीं दिखाई दे रहे। They all have ears, इनके कान तो होते हैं सभी के, even though we cannot see them, चाहे हम देख नहीं पाते। तो मैंने आपको बताया इनके कान होते हैं, पर क्या होते हैं उनकी जगह? टाइनी होल्स होते हैं। आगे देखो, फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स फाइंड आउट करो विच हैव ईयर्स, जिनके कान होते हैं, डैट वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सकते, राइट देयर नेम्स। तो इनके अलावा जो हमने लास्ट पिक में देखा है, ऑब्जर्व की है हमने, उसके अलावा स्वैन के, फ्लाई जो मक्खी होती है, क्रोकोडाइल, फिश, मॉस्किटो, और भी आप कहीं लिख सकते हो, जैसे इसमें डक तो आ ही गया, और वर्ड्स लिख सकते हो जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते, उनके क्या होते हैं? टाइनी होल्स होते हैं। रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैंस, किसके पंखों की तरह होते हैं? एलिफेंट के। एन एनिमल विद ईयर्स लाइक लीव्स, और लीव्स की तरह कहते होते हैं, फर्स्ट पेज पे हमने किया था, रैबिट के। एन एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, बिल्कुल टॉप होते हैं रैबिट के, ध्यान से देखो रैबिट की पिक को देखो, इसमें क्या है? टॉप ऑफ हेड, हेड के बिल्कुल ऊपर को होते हैं बड़े बड़े कान। एन एनिमल विद ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ हेड, और हेड के दोनों तरफ देखो कौन किसके होते हैं, ये है हमारा डॉग, डॉग की पिक को ध्यान से देखो। यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, डैट ईयर्स हेल्प अस टू हीयर, जो हमारे कान होते हैं वो हमारी सुनने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, परंतु कुछ एनिमल्स के कान आप देख सकते हो, इन सम यू कैन नॉट, और किसी के कान नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी ए बर्ड्स ईयर, हम बर्ड्स के कानों को नहीं देख सकते, क्योंकि क्यों है? देखो ध्यान से वही लाइन आ रही है, ए बर्ड हैज टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ हिज हेड, उनके सिर के दोनों तरफ क्या होते हैं? टाइनी होल, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। ये देखो इस पिक में दिखा रखा है, कुछ रेप्टाइल्स हैं जैसे लीजर्ड, क्रोकोडाइल, ये बर्ड्स हैं, इनके क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं, वही इनके ईयर्स होते हैं। जनरली आमतौर पर द होल्स आर कवर्ड विथ फैदर्स, और जो बर्ड्स होते हैं उनके जो कान होते हैं, जो टाइनी होल्स होते हैं, वो किससे ढके होते हैं? पंखों से। दे हेल्प, वही हेल्प करते हैं बर्ड्स की सुनने में। इफ़ यू लुक केयरफुली, अगर आप ध्यान से देखो, यू विल सी टाइनी होल्स ऑन द लीजर्ड हेड, ये देखो इस पिक को ध्यान पे, ये लीजर्ड के हेड के यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, यही इसके क्या होते हैं? कान होते हैं। ए क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज ईयर लाइक दिस, ऐसे ही देखो इस पिक में ये क्रोकोडाइल है, इसके भी यहाँ पे टाइनी होल्स होते हैं। अब ऐसे हम नज़दीक जाकर तो देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी देम इजिली, हम इन्हें इजिली नहीं देख सकते क्योंकि हम डरते हैं इनसे। हू स्किन, आगे टॉपिक क्या है? स्किन के बारे में, इनकी एनिमल्स और बर्ड्स की स्किन से भी हम पता कर सकते हैं किन के हमें कान दिखाई देते हैं और किन के कान नहीं दिखाई देते। नाउ यू नाउ हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर, क्या अब नाउ हाउ, आप कैसे जान सकते हो, कैसे पहचान कर सकते हो रिकॉग्नाइज एनिमल्स की बाय देयर ईयर, उनके कानों से। लेट अस सी, आओ हम देखते हैं, इफ वी कैन रिकॉग्नाइज, अगर हम पहचान कर सकते हैं एनिमल्स की बाय देयर स्किन, की उनकी स्किन से भी, उनके पैटर्न से, जो उनकी स्किन पे, जो उनकी बॉडी पे पैटर्न्स बने होते हैं, कुछ डिज़ाइंस बने होते हैं, कुछ हेयर होते हैं, कुछ फैदर्स होते हैं, उनसे भी हम
ईयर्स पता कर सकते हैं। अब देखो मैच द एनिमल्स, हमने इसमें हमें इनकी स्किन दिखा रखी है। मैच द एनिमल्स शोन हेयर विद द पिक्चर ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन से मैच करना है इन एनिमल्स को। मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन, उनकी स्किन पे जो करेक्ट पैटर्न है ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल्स, हमें एनिमल्स भी दे रखे हैं और उनके पैटर्न भी देखे हैं तो मैच करना है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने सब कुछ पहले करके रख लिया था क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है। ये देखो सबसे पहले ये क्या है, ये हमें उनके स्किन के पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। पैटर्न क्या होते हैं, इनकी स्किन पे हेयर होते हैं जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके बीच में। ये देखो जैसे ये टाइगर है, टाइगर के ये देखो ध्यान से इस पिक को, पहले उसके गोल्डन में हेयर है और ब्लैक ब्लैक्स क्या है स्ट्रिप्स हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है स्क्यूरल गिलहरी, इसकी ये स्किन है ये रही। और आगे क्या है हमारे पास लैपर्ड, लैपर्ड क्या होता है तेंदुआ, तेंदुआ की ये रही स्किन। ठीक है ये देखो इसके ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हैं इसकी स्किन पे। आगे देखो डियर, डियर की स्किन ये है, डियर पे भी क्या है गोल्डन के ऊपर वाइट वाइट डिजाइन है। ये पैटर्न्स होते हैं कुछ डिजाइन होते हैं। टाइगर, टाइगर पे भी ये देखो गोल्डन पे ब्लैक ब्लैक है। और आगे क्या है हमारा जेब्रा, जेब्रा क्या होता है ड्राइकोडा, ये देखो इस पे भी क्या है वाइट और ब्लैक्स क्या है इसके पैटर्न बने हुए हैं। द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो इनके ऊपर पैटर्न होते हैं डिज़ाइन होते हैं ये इनके हेयर के कारण होते हैं। पहले हेयर होते हैं फिर इनके ऊपर वो क्या हो जाते हैं पैटर्न कुछ डिज़ाइन हो जाते हैं जिससे हम इनकी स्किन से पता कर सकते हैं कि ये कौन सा एनिमल है। हैव यू एवर सीन एन एनिमल, क्या आपने कभी एक ऐसा एनिमल देखा है विदाउट हेयर जो बिना बालों का हो, और हुज हेयर हैज़ बीन रिमूव, जहाँ उसके बाल रिमूव हो चुके हों। इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लुक, क्या आप सोच सकते हो कल्पना कर सकते हो कि वो एनिमल कैसे लगेगा जिसके बाल नहीं होंगे। इफ डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन, कि आप सोचो कि किसी की स्किन पे एनिमल के बाल नहीं है, द वुड नॉट हैव पैटर्न, तो उसके क्या होगा कोई पैटर्न नहीं होगा कोई डिज़ाइन नहीं होगा। आगे नेक्स्ट पेज पे देखो, यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स, आप कुछ एनिमल्स को देख सकते हो गिवन बिलो, जो नीचे दे रखे हैं। ये देखो हमें एक टेबल देते हैं। अब हमने इन चार कॉलम्स में इनके नाम देखने हैं। ईयर्स कैन बी सीन, जिनके हम कान देख सकते हैं और जिनके हेयर होते हैं। ईयर्स कैन नॉट बी सीन, जिनको नहीं देख सकते और जिनके पंख होते हैं। अब एनिमल्स हैं, एनिमल्स क्या होते हैं जिनके ईयर भी होते हैं और इनकी स्किन पे क्या होते हैं हेयर भी होते हैं। और यहाँ पे क्या है बर्ड्स, बर्ड्स के क्या होंगे टाइनी होल्स होंगे ईयर्स की जगह और क्या होंगे फैदर्स होंगे। पर कुछ दो एनिमल, दो हमारे ऐसे हैं लिजर्ड और फ्रॉग, जिनके ना फैदर्स होते हैं ना हेयर्स होते हैं, ना ही उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं ना फैदर्स होते हैं। अब ईयर्स कैन बी सीन, तो फॉक्स हैं, फॉक्स के हमें कान दिखाई देते हैं, फ्रॉग के कान हमें दिखाई नहीं देते, तो ये थर्ड कॉलम में आएगा फ्रॉग। आगे माउस, माउस के कान हमें दिखाई देते हैं और हेयर भी होते हैं। और आगे देखो हैन, हैन क्या होती है बर्ड्स है, ये हमें ईयर दिखाई नहीं देते टाइनी होल्स, ये थर्ड में आएगा। एलिफेंट, एलिफेंट के हेयर भी होते हैं थोड़े थोड़े अगर आप पास जाकर देखो, और उसके हेयर भी होते हैं और कान भी होते हैं। क्रो, क्रो यहाँ पे आएगा और उसके क्या होते हैं बाल भी होते हैं। आगे देखो कैट, कैट के बाल भी होते हैं और ईयर्स भी होते हैं, तो ये फर्स्ट दो कॉलम में आएगी। कैमल, कैमल के कान भी होते हैं और हेयर भी होते हैं। आगे क्या है स्पैरो, स्पैरो के कान हमें दिखाई नहीं देते टाइनी होल्स होते हैं पर उसके पंख भी होते हैं उड़ने के लिए। पिकॉक, पिकॉक भी ये नहीं दिखाई देते और उसके फैदर्स होते हैं। आगे है बफेलो, बफेलो के हमें कान दिखाई देते हैं और उसके भी हल्के हल्के ऊपर शरीर बॉडी पे बाल होते हैं। लिजर्ड, लिजर्ड के कान टाइनी होल्स होते हैं पर इसके क्या होते हैं हेयर फैदर्स नहीं होते, तो हमने इसको फैदर्स के कॉलम में नहीं डाला। और एक फ्रॉग को नहीं डाला क्योंकि इसके कान हमें दिखाई नहीं देते पर इसके फैदर्स भी नहीं होते क्योंकि ये उड़ता नहीं है। ठीक है आगे क्या है पिजन, पिजन के क्या होते हैं कान दिखाई नहीं देते और इसके क्या होते हैं पंख भी होते हैं, तो ये दोनों थर्ड और फोर्थ में आएगा। और क्या है आगे पिग, पिग के हमें कान दिखाई देते हैं और इसके भी थोड़े थोड़े क्या होते हैं हेयर होते हैं स्किन पे। डक, डक के क्या होते हैं कान दिखाई नहीं देते और इसके भी वो बहुत स्लो स्लो जैसे पानी में तैरता है ना, तो इसके भी क्या होते हैं छोटे छोटे पंख होते हैं। काओ, काओ कहाँ पे आएगी फर्स्ट और सेकंड में, इसके ईयर्स भी होते हैं और हेयर भी होते हैं। तो ये आप इसकी पिक भी ले सकते हो, जहाँ आप वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके ये कॉलम को भर सकते हो। आगे देखो अब मैंने आपको बता दिया लीजर्ड और फ्रॉग
के ना तो पंख होते हैं, नो फैदर्स नो हेयर्स, तो आप ये नोट कर लेना इसमें। इन विच लिस्ट, अब इस लिस्ट में डिड यू पुट द काओ एंड द बफेलो, आप काओ को देखो और बफेलो को देखो। गाय और भैंस हमें क्या देती है, दूध देती है। फ्रॉम ए डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी से, कैन यू सी द हेयर, क्या ऑन देयर स्किन, क्या आप थोड़ी सी दूरी पे उनकी स्किन पे बाल देख सकते हो। ट्राई टू गो, ट्राई करके देखना, नियर जाके देखना, वन ऑफ देम, इनमें से एक के पास। कुड यू सी द हेयर, यस हम उनके शरीर पे थोड़े थोड़े बाल देखते हैं। आफ्टर गोइंग नियर देम, तो आप लिखोगे आफ्टर, यहाँ क्वेश्चन से लोगे, आफ्टर गोइंग नियर देम हेयर ऑफ देयर बॉडी कैन बी सीन, हाँ हम उनकी बॉडी पे बाल देखे। इफ़ यू वर टू मीट एन एलिफेंट, अब अगर आप एक हाथी से मिलते हो और उसको टच करते हो, क्या आपको उसको टच करने में डर तो नहीं लगता। नो, तो हम लिखेंगे येस। डू यू नो, क्या आप जानते हो एलिफेंट ऑल्सो हैज हेयर, हाँ होते हैं, हमने लिखा भी है स्किन पे क्या होते हैं बाल, तो यहाँ पे येस लिखोगे। कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल मेंशन इन द लिस्ट ले एग्स, क्या आप बता सकते हो कि कौन से एनिमल हैं इस लिस्ट में जो हमें पहले लास्ट पेज में लिस्ट दे रखी है, जो क्या करते हैं एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। फाइंड आउट, आपने फाइंड आउट करना है, राइट द नेम ऑफ दिस एनिमल इन द ग्रीन बॉक्स, जो एग्स देते हैं उनको ग्रीन बॉक्स में लिखना है, और जो करते हैं विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट, और उसी लिस्ट में एनिमल जो गिव बर्थ टू बेबीज, जो बेबीज को, यंग बेबीज को जन्म देते हैं, उनके रेड बॉक्स में लिखना है। तो जितने भी एनिमल्स हैं और जिनकी स्किन पे हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, गिव बर्थ टू बेबीज। बच्चों ये जो पॉइंट है ये आपको रिमेम्बर होना चाहिए, जितने भी एनिमल्स हैं उनके कान हमें दिखाई देते हैं और उनके हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, गिव बर्थ टू बेबीज, वो आएंगे रेड बॉक्स में। और जिनके कान हमें, जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल जो ज़मीन पर रेंगते हैं, जैसे लीजर्ड, एंट और क्रोकोडाइल हो गया, इनके कान हमें दिखाई नहीं देते, टाइनी होल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ले एग्स, वो हम डालेंगे ग्रीन बॉक्स में। तो ये आप लिख सकते हो, जो कि लास्ट फेज में ये हमारा टेबल था, इसी टेबल को देखते हुए आप इसको भर सकते हो। एलिफेंट, पिग, माउस, कैट, फॉक्स, कैमल, बफेलो, काउ, ये क्या करते हैं, गिव बर्थ टू बेबीज, गिव बर्थ टू बेबीज, ये आएंगे रेड बॉक्स में। और जो ले एग्स हैं, जिनके कान हमें नहीं दिखाई देते, देखो फ्रॉग, फिश एंड पिजन, क्रोकोडाइल, क्रो, स्नेक, लिजर्ड, डक, स्पैरो, ये क्या करते हैं, एग्स देते हैं। आगे देखो, नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज, आप पिछले पेज पे फिर से वो टेबल को ध्यान से देखोगे। ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन लिखोगे अंडर द नेम ऑफ द एनिमल्स, लाइन को अंडरलाइन करोगे, हुज एनिमल्स आर इन द ग्रीन बॉक्स, जो ग्रीन बॉक्स में है, पुट ए सर्कल अराउंड द नेम ऑफ दीज एनिमल्स, हु नेम्स आर इन द रेड बॉक्स, जो रेड बॉक्स में है उसको क्या करोगे, सर्कल करोगे, और इनको क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे, ठीक है। सो व्हाट डिड यू नोट, इसलिए अब आपने क्या नोट किया, दोज एनिमल हुज ईयर यू कैन सी हैव द हेयर ऑन द बॉडी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लिख भी सकते हो कि जिनके कान हमें नहीं दिखाई देते, ईयर्स कैन नॉट सी, और जिनके फैदर्स होते हैं, पंख होते हैं, वो क्या करते हैं, दे ले एग्स, और जिनके ईयर्स हमें दिखाई देते हैं, ईयर्स कैन बी सी, और क्या होते हैं, हेयर ऑन द स्किन, हेयर ऑन देयर स्किन, वो क्या करते हैं, गिव बर्थ टू बेबीज, गिव बर्थ टू बेबीज। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है, तो ये चैप्टर इसी टॉपिक पे बेस है। Those animals that do not have ears on the outside, वो animal जिनके बाहर की तरफ कान हमें नहीं होते, do not have hair on their body, और जिनके body पे hair नहीं होते वो क्या करते हैं, lay eggs, यही बात मैंने आपको बताई है। जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते, ना ही उनकी skin पे hair होते हैं, उनके क्या होते हैं, feathers होते हैं, वो क्या करते हैं, lay eggs, ठीक है। Have you seen animals, क्या आप ऐसे animals को देखते हो, around your house, अपने घर के आसपास, या school के पास, that have small babies, जिनके small babies हैं, write their names in your notebook, अपनी notebook में लिखो। तो जो हम आसपास क्या देख सकते हैं, dog देख सकते हैं, cat, rat, pig, ये animals देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कोई, कई बार क्या होता है, घोड़ा भी देख सकते हैं, आप कोई भी animals लिख सकते हो जो आपने अपने घर के आसपास या स्कूल के आसपास देखे हैं। Have you ever kept a pet, क्या आपने कभी कोई पालतू पाला है, पालतू क्या होता है, pet means जो हम घर पे पाल सकते हैं, does anyone you now keep a pet, क्या
कोई ऐसा जो आप जानते हो जिसे हम पेट के रूप में रख सकते हैं। तो कई जने क्या करते हैं, डॉग भी पाल लेते हैं, कैट भी, पैरट भी। तो मैं आपको डॉग और पैरट के बारे में बताती हूँ, बाकी आप अपने मुताबिक भी लिख सकते हो जो भी आपने पेट पाल रखा है। फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट, और हम कुछ पेट के बारे में कुछ और जानते हैं। विच एनिमल इट, पहले मैंने डॉग लिखा है या पैरट, ठीक है। डॉग का क्या नाम, टॉमी, जैक, जिल, ऐसे नाम लिख सकते हैं। तो मैंने टॉमी लिखा है और पैरट को मैंने मिठू लिखा है। हु गेव इट दिस नेम, इसको नेम किसने दिया, आप माई फादर भी लिख सकते हो, माई सेल्फ भी लिख सकते हो, जो भी लिख सकते हो। तो बच्चों ये आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो और जो मैंने लिखा है इसके मुताबिक भी लिख सकते हो। और डॉग क्या खाता है, ब्रेड, कर्ड, लस्सी, मीट ये खाता है। और पैरट क्या खाता है, चिल्ली खाता है और छोटे से दाने, ग्राम खाता है। हाउ मेनी टाइम्स ए डे इट गिवन फूड, कितने टाइम उसको हम देते हैं, यूजली थ्राइस ए डे, थ्राइस मीन्स थ्री टाइम्स, हम तीन टाइम्स देते हैं उनको खाना ज़्यादातर। When does it sleep? वो स्लीप कब करता है, जो डॉग होता है 5 to 6 hours करता है और जो पैरट होता है 8 to 10 hours, ठीक है। तो आप ये सारा भर सकते हो अपने अकॉर्डिंग भी और मेरे भी। इज देयर एनी स्पेशल वे, क्या कोई और तरीका है इनकी लुक आफ्टर, इनकी देखभाल करने के लिए, दिस एनिमल्स हाउ, तो हम क्या करते हैं, उनको क्लीन रखते हैं, बात कराते हैं देम रेगुलरली और उनके फूड का भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। डज इट गेट एंग्री, क्या वो गुस्से भी होता है तुम्हारा पेट, वैन, कब गुस्से होता है, हाउ डू यू नाउ इट इज एंग्री, आप कैसे पता लगाओगे कि वो गुस्सा है, वो गुस्सा कब होता है, व्हेन दे सी अननोन पर्सन, जब वो ऐसे पर्सन को देखता है जिसे वो नहीं जानता है, दे गेट एंग्री, वो गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है ना। व्हेन दे एंग्री, जब वो गुस्सा होते हैं तो क्या करते हैं, बहुत ऊंची ऊंची चिल्लाते हैं, शाउट लाउडली। तो आप ये इस तरह से लिख सकते। Does it have hair or feathers on its skin? क्या इनके feathers और skin भी होते हैं? अगर आपने parrot पाला हुआ है तो आप लिखोगे yes it has feathers on its skin. अगर dog पाला है yes it have hairs on its skin. इसकी skin पे क्या है, बाल है। Can you see it ears? Dog के कान तो हम देख सकते हैं तो लिखोगे yes I can see it ear. और parrot के नहीं देख सकते, cannot see ears. Is it baby? तो मैंने लिखा है कि जो dog है वो baby animal है और आप ये parrot का भी लिख सकते हो, it is a baby parrot. ठीक है, तो इसका कोई young यानी कि baby नहीं है। Will this pet animal lay eggs? अगर dog है, dog क्या करेगा, give birth to babies. अगर parrot है, parrot क्या करेगा, ले एग्स करेगा। Does it have young ones? No, it have not young ones, क्योंकि ये खुद एक बेबी है। आगे देखो, draw a picture of this animals. आप इस एनिमल्स में जो भी आपका पेट है, डॉग है या पैरेट है, ये आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। गिव इट ए नेम, और उसका नाम लिखो ऑफ योर चॉइस। तो बच्चों ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डॉग, पैरेट, रैबिट, कुछ ऐसे एनिमल्स बनाना सिखाऊंगी, तो आप वो नेक्स्ट वीडियो में देखना। आगे देखो, लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को ध्यान से देखो। कलर द पार्ट्स विच हैव बीन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये क्या होते हैं, हमारे इवन नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल्स पे कट हो जाते हैं। इनके बीच में क्या क्या स्किप कर रखा है, 1, 3, 5, 7, 9, ये स्किप करके हैं। तो ये 2, 4, 6, 8 टेबल है 2 का, यानी कि इवन नंबर्स हैं। तो आप यहाँ से 2 देखो बच्चों कहाँ पे है, 1, आगे 2, 1, 3, ये 2 यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या बनेगा हमारा, ऐसे 2, 4, 6, 8 ऐसे आप मिलाते जाओगे, ये मिला रखा है, तो ये हमारा क्या बनेगा, डायनासोर बनेगा। मैनी मैनी ईयर्स एगो देयर वर डायनासोर ऑन द अर्थ, बहुत साल पहले डायनासोर धरती पे थे, वट नॉट एनी मोर, पर अब नहीं है, आपने कार्टून्स में देखा होगा। नाउ वी सी देम इन फिल्म्स, फोटोज एंड बुक्स, या तो आपने फिल्म्स में देखा होगा या फोटो में, आज तुम बच्चों ने कार्टून्स में देखा होगा। फाइंड आउट मोर अबाउट डायनासोर, आप डायनासोर के बारे में और कुछ फाइंड आउट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। हैव यू सीन एनिमल डैट लुक लाइक ए डायनासोर, क्या आपने कोई ऐसा डायनासोर की देखा है, तो एक बड़ी लिजर्ट होती है जो डायनासोर की तरह दिखती है, डी लिख सकते हो, ए बिग लिजर्ड लाइक ए डायनासोर। डू यू नो इट्स नेम, इसको क्या नाम देगो, लिजर्ड। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर, अपने एल्डर से जो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको डिस्कस करो। आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लुक एट दिस एनिमल, इस एनिमल्स को देखो, ये हमारा टाइगर है, टाइगर के ऊपर गोल्डन है और इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, ये पैटर्न्स बना हुआ है। तो ये टाइगर क्या है, राइट इट्स नेम टाइगर। डू यू नाउ दिस इज अवर नेशनल, ये है कि हमारा राष्ट्रीय पशु है, ये वाइल्ड जंगलों में रहता है। वेयर डज इट लिव, इसको लिखेंगे हम वाइल्ड फॉरेस्ट में। द नंबर ऑफ दिस एनिमल्स आर गोइंग ड्रॉन इंडिया, क्या एनिमल्स में इनकी संख्या है, डिस्कस करो वाई दिस वुड हैपन, क्यों अब ये इनकी जो संख्या है, पॉपुलेशन है, कम होती जा रही है, क्योंकि लोग इनका क्या करते हैं, पीपल हंट देम, इनका शिकार करते थे, क्योंकि इसकी स्किन बहुत यूजफुल होती है, इसकी स्किन का ही हमें
यूजफुल और कई कारों में काम आती है। लोगों ने ट्रीज कट करने शुरू कर दिए, डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगल काटने रख दिए, क्योंकि ये जो टाइगर है जंगलों में ही रहते थे, इसलिए इनका जो लिविंग प्लेस था वो क्या होता जाए कम, इसलिए इनकी जो नंबर ऑफ एनिमल्स है ये कम होती गई। ठीक है, आगे कुछ एक्टिविटी है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मेक योर ऑनवर्ड। तो आप ऐसे पेपर से, आप ग्रेस जो होता है पेपर स्क्रैप बुक का, इसे ऐसे इन्होंने देखे हो कैसे स्पैरो डक ऐसे बना रखे हैं, ये हम मैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।